में किसानों के एक दर्जन से अधिक ट्रैक्टर ट्रॉलियों को किराए पर लेकर यहाँ पर रफू चक्कर हुए आरोपियों को गोपालगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से करीब 17 वाहन भी जब्त किए गए हैं। दरअसल आरोपियों ने गांव के कुछ लोगों से ट्रैक्टर किराए पर लिए थे। कुछ महीने तक किराए देने के बाद ट्रैक्टर लेकर फरार हो गए। ग्रामीणों की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वही मामले की जो तफ्तीश है वो लगातार जारी है और ऐसे में जिस तरीके से मामला सामने आया है, पुलिस की कार्रवाई के बाद आरोपी जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं और इस दरमियान आरोपी के पास से तकरीबन 17 वाहन जो है वो जब्त किया गया है। ये अभी कुछ दिन पूर्व एसपी ऑफिस में कुछ लोगों ने आवेदन दिया कि एक नीरज साहू नाम के व्यक्ति को उन्होंने ट्रैक्टर किराए पे दिया था, जिसमें उन्होंने ट्रैक्टर एक तो वापस भी नहीं किए हैं और किराया देना बंद कर दिया है और उनको ऐसी सूचना है कि वो ट्रैक्टर उसके द्वारा कई अन्य जगहों पर फर्जी तरीके से भेजे जा चुके हैं। तो इसको पुलिस ने गंभीरता से लिया। इसमें कई सारे जो पीड़ित व्यक्ति थे वो पहुँचे थे एसपी ऑफिस और अन्य स्रोतों से भी आवेदकों के द्वारा ये आवेदन दिए गए थे। तो इसमें पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई की, इसमें पतासाजी की गई। इसमें पता चला कि ये नीरज साहू और इसके साथ जो अन्य साथी थे, सौरभ सोनी और एक महेंद्र कौर, इनके द्वारा मिलके ये पीड़ित लोगों के जो कि कई इसमें से किसान भी हैं और करीब 17 वाहन जो है वो जब्त कर लिए गए हैं। पुलिस को यहाँ पर बड़ी सफलता हाथ लगी है। गोपालगंज से आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। किसान की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया था और पुलिस ने यहां पर पकड़े गए ट्रैक्टर चोर को जो है हिरासत में ले लिया है। पूछताछ जारी है और इसी दरमियान आरोपियों के पास से तकरीबन 17 वाहन जो है वो भी जब्त किए गए हैं।